हे एवरीवन, वेलकम टू मंजीत की पाकशाला। एप्पल्स का सीज़न शुरू हो चुका है। मार्केट में ताज़े और जूसी एप्पल्स आ चुके हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक एप्पल पाई। लेट स्टार्ट टूडेज रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन या गोल्डन एप्पल 1 किलो, 250 ग्राम मैदा, अनसॉल्टेड बटर 150 ग्राम, ब्राउन शुगर 125 ग्राम, पाउडर्ड शुगर या पिसी हुई चीनी 1/3 कप, हनी 1/4 कप, नटमेग पाउडर 1/4 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। अब हम मैदे में नमक मिलाएंगे। पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स करें। एक अच्छी पाई क्रस्ट के लिए हमें मैदा और बटर बिल्कुल चिल्ड चाहिए। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उसी में इसे बनाएं। आप अपने हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों की गर्मी से ये मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है बटर, तो आप इसे क्रम्बल करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये देखिए, इस तरह से हमारा मिक्सर तैयार है। अब इसे फ्रिज में रख दें। अब निकाल कर इसे आइस कोल्ड बिल्कुल ठंडे पानी से हम इसे गूंदेंगे, तो इसमें 2 या 3 चम्मच ही पानी का यूज होएगा। तो हमने इस तरह से जब तक हमारा ये बॉल बनके तैयार हो जाए, अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें इसे हमने बहुत ज्यादा नहीं गूंदना। अब इसे क्लिंग शीट में रैप करेंगे और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम अपने एप्पल्स को तैयार करेंगे। इसे अच्छी तरह से छील के हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसमें नींबू का रस मिला के आधे नींबू का रस मिलाएंगे। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर लेंगे। इसमें हम अपने सारे एप्पल्स डाल देंगे। अब इसमें दालचीनी पाउडर, ब्राउन शुगर जो कि 1/2 कप लिया है मैंने, और नटमेग पाउडर। इसे इस तरह से ग्रेट करके इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, एप्पल्स ने जूस छोड़ दिया है। अब इस जूस को हमने सुखाना है, तो इसमें मैंने 1/4 कप हनी लिया है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ।
ये एप्पल्स हमारे तैयार हैं। इसे हमने बहुत ज़्यादा मशी नहीं करना। अब पाई डिश को तैयार करेंगे। अगर आपके पास पाई डिश नहीं है तो आप थाली में बना सकते हैं। चारों तरफ बटर लगाएंगे। अब क्रस्ट को तैयार करेंगे। अभी फ्रिज से निकाल के आप थोड़े कुछ एक मिनट के लिए बाहर रखें। अब इसको बेलें। तो अगर आपकी पाई यहाँ पे क्रस्ट अगर फट रही है, टूट रही है, तो कोई बात नहीं, जहाँ से आपके टूट रहा है अब वहाँ पर पैच लगा के उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसको 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करना है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट था इसे हम बेल के तैयार करेंगे। ये हमारी 10 मिनट में ये पाई बेक हो चुकी है क्रस्ट। अब इसमें एप्पल्स को फिल करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रिप्स काट के तो हम इसे कवर करेंगे। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसे ऊपर से कवर कर सकते हैं। अगर आप नीचे वाली क्रस्ट को पहले बेक ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसे बेक कर सकते हैं। इसे 230 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में 15 मिनट के लिए पहले बेक करेंगे। उसके बाद इसे निकाल के ऊपर से फॉइल पेपर से कवर करके बाकी के 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब इसमें मिल्क ब्रश से हम इसे ब्रश कर देंगे। ट्रस्ट मी, ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसे वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें। इसे बनाते वक्त ये कुछ खास बातों का आप ध्यान जरूर रखें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।